देश के सभी पुरुष सैनिकों को नमस्कार। आज 22 अक्टूबर रविवार के दिन सापला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग का आयोजन किया गया। पुरुष सैनिकों की मीटिंग का आयोजन था। हरियाणा के सभी पुरुष सैनिक और पुरुष सैनिक संगठनों से आह्वान किया गया था कि इस मीटिंग में शामिल हों, बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें। अपने इस मीटिंग के दो मुख्य एजेंडा पॉइंट्स थे। एक तो सभी संगठन एक मंच पर कैसे आए, उनकी एकजुटता के लिए। दूसरा, जो 4, 5 और 6 तारीख की काल दे रखी है, 4 तारीख को यहां से पदयात्रा शुरू होगी छोटूराम धाम से, जो कि प्रधानमंत्री आवास तक जाएगी। 4 तारीख को यहां से पदयात्रा शुरू करके रात्रि विश्राम बहादुरगढ़ में है। अगले दिन सुबह 5 नवंबर को शहीद स्मारक पर शहीदों श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वहां से पदयात्रा फौजी धर्मशाला पाड़गंज तक चलेगी। अगले दिन 6 तारीख को नेशनल वार मेमोरियल, जो कि इंडिया गेट के पास है, वहां देश के सभी पूर्व सैनिकों से आह्वान है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 10 बजे नेशनल वार मेमोरियल पहुंचे। वहां हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि हमारी जो जायज मांगे हैं उनका तुरंत आप संज्ञान लेते हुए उनका निराकरण करें, निदान करें। बहुत लंबा समय हो गया है, 9वां महीना चल पड़ा है, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो देश के असली हीरोज हैं उनसे आपको मिलने का समय नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो इन फिल्मों के हीरो हीरोइंस हैं, उनके लिए आपकी कोठी के दरवाजे, आपके आवास के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। चाहे उसमें कंगना रनौत आती हो, चाहे उसमें अक्षय कुमार आता हो, चाहे कोई और फिल्म का हीरो आता हो, चाहे अनुपम खेर आता हो, चाहे परेश रावल आता हो, सबके लिए आपके दरवाजे खुले हैं, सबके लिए आपके पास समय है। लेकिन देश के पूर्व सैनिकों के लिए आपके पास समय नहीं है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको ज्ञापन देना चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं। अगर आप पहले अगर कोई काल देते हैं तो हम पहले मिल लेंगे और ये यात्रा का जो प्रोग्राम है इसे स्थगित कर देंगे। लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो जिस प्रकार आपने फौजियों से झूठे वायदे किए थे और हम आपके साथ जुड़े थे, तो हम सभी फौजी भाइयों से आह्वान भी करेंगे। हो सकता है कोई आपकी पार्टी का पदाधिकारी हो, आपके साथ रह जाए, लेकिन बाकी फौजी भाइयों से आह्वान करेंगे कि इलेक्शंस के दौरान आप लोगों का बायकॉट करें, विरोध करें, आपके खिलाफ मतदान करें। बहुत लंबा समय हो गया जी, हम आप लोग से या भारत में कोई हम ऐसा काम नहीं करना चाहते जो अराजक हो। संविधान ने हमें उंगली की ताकत दी हुई, हमको तलवार नहीं चलाना चाहते। इस उंगली की ताकत से हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपने जो झूठे वादे किए थे हमारे साथ और वो नहीं माने, उसका क्या असर हुआ और आपका क्या असर हुआ। हम ही वो लोग हैं जो आपको सत्तासीन कराने में सबसे पहले आपके साथ जुड़े थे। तो आप सभी से, पूरी कैबिनेट से, पूरी बीजेपी सरकार से फिर अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि तुरंत प्रभाव से हमारे इन समस्याओं का निदान कर दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।